वेलकम है मैम बात करें चैनल पर। गाइस कल हम देखने वाले हैं आपके पास में कि एनर्जीज फुल मून पर क्या है। ठीक है, फुल मून पर क्या चेंजेस हैं आपके पार्टनर की एनर्जीज में, आपको लेकर आपके रिश्ते को लेकर। ये जनरल रीडिंग है, ओके, वो सभी जोडिक साइन के लिए हैं। सभी लोग ये रीडिंग देख सकते हैं, मैरिड हैं, सिंगल हैं, किसी भी एज ग्रुप के हैं, सभी लोग मेरी रीडिंग देख सकते हैं। चलिए जब तक हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं होना है, उसको रीडिंग के साथ कनेक्ट करना है। जिनकी भी एनर्जीज आपको देखनी है फुल मून पर, उनके ऊपर आपको फोकस करना है। ठीक है, तो हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। इसके बाद जो जामू ऐसा लगता होगा कि उनकी लाइफ में खुशियाँ आई हैं और किसी ने उन्हें अचानक से नेगेटिव कर दिया, उनके लिए नेगेटिव कुछ कमेंट कर दिया, या वो एकदम खुश हैं, हंस रहे हैं, बातें कर रहे हैं लोगों के साथ और अचानक से वो नेगेटिव हो गए। ऐसा कुछ महसूस होता होगा तो प्लीज़ आप मुझे बताइएगा कॉमेंट करके। द गार्डन एंड द गेट मतलब मैं हैं सभी चक्र आर्कियन से जुड़े, आपको एकदम पॉजिटिव रहना होगा। ओके, ओके, यहाँ पर आपके पार्टनर अगर किसी भी रिश्ते में थे, ठीक है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपके बीच में दूरी आई, तो बहुत जल्दी वो रिश्ता ख़त्म होने वाला है। 7 hours 7 days 7 weeks काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी मैं बता सकती हूँ आपको कि इस टाइम में आपके पार्टनर किसी भी थर्ड पार्टी में, तो पूरी तरह से वो रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। इससे पहले भी हो सकता है ब्लॉसमिंग या अबंडेंस आपके रिलेशनशिप में, आपकी लाइफ में अबंडेंस आने वाली हो। यहाँ मैंने पूछा था कि क्या आपको ऐसा लगता है कि जब भी आप खुश होते हैं, जब भी आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आने लगती है, कोई तो है जो आपको नेगेटिव कर देता है, या अचानक से आपकी लाइफ में कुछ नेगेटिविटी आ जाती है, तो आप लोग खुश होने से भी कुछ लोग होते हैं डरते हैं। ऐसा अगर आपके साथ होता है तो आपको उस पर्सन से दूरी बना लेनी है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई तो पर्सन है जो आपके रिश्ते पे, आपकी लाइफ पे नज़र बना के बैठा हुआ, या तो वो नेगेटिव पर्सन, हद से ज़्यादा नेगेटिव पर्सन है और आपसे जेलिसी लगता है बहुत ज़्यादा, तो उसका तो कुछ आप लोग, क्योंकि मैं ऐसे मेरे व्यूवर्स होंगे जिनको हमेशा से ये लगता है कि ये पर्सन मुझे हमेशा नेगेटिव करता है, ये पर्सन हमेशा मेरे लिए बात करता है मेरे पीछे से, उस पर्सन के साथ अपनी लाइफ की कोई भी बात शेयर करना बंद कर दीजिए। और उस पर्सन, मान लीजिए आप दोनों के कुछ म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं, तो आप उन फ्रेंड्स के साथ भी दूरी बना लीजिए जो उस पर्सन को भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोगों की होते हैं ऐसे जो दूसरों से जेलेसी रखते हैं, किसी की भी लाइफ में खुशियाँ नहीं बर्दाश्त कर सकते। ठीक है, तो इस पर्सन से आप दूरी बना लीजिए, क्योंकि ये पर्सन, ये कार्ड ना मुझे सारा नेगेटिव एनर्जी दे रहा है, तो मुझे लगा कि मैं रीडिंग के बीच में इस कार्ड के बारे में आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ। मतलब कहते हैं ना, बहुत सारे लोग हैं वो आपको भी जानते हैं, उस पर्सन को भी जानते हैं जो आपकी लाइफ में नेगेटिविटी फैलाता है, तो उससे आपको काफ़ी दूरी बना लीजिए। ओके, यहाँ पे आपके पार्टनर की अगर मैं बात करूँ, तो इन दिनों में आपके पार्टनर, इस फुल मून की एनर्जी आपके पार्टनर की ये बड़ी खूबसूरत है, आपके साथ आना चाहते हैं, इस रिश्ते में वापस से वही टाइम आपके साथ गुजारना चाहते हैं जो आप दोनों ने एक दूसरे से बातचीत की थी, एक दूसरे को डेट करना स्टार्ट किया था। ठीक है, यहाँ पर ये थर्ड चक्र आर्केंजल जैमुल आपके पार्टनर के सबकॉन्शियस माइंड में इस वक्त आप हैं। ठीक है, उनके दिल दिमाग में सब तरफ आप ही आप होंगे। ये कार्ड आया है कैरिंग कनेक्शन के साथ, मतलब ये कह सकते हैं कि इस रिश्ते में पॉजिटिविटी आने वाली है, आप दोनों का रीयूनियन होने वाला है। क्यों? क्योंकि इस वक्त आपके पार्टनर आपको याद भी बहुत ज़्यादा करेंगे, थिंकिंग ह्यूमन, बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर आपको याद करें। कहते हैं ना, चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, सिर्फ आप ही उनके दिल और दिमाग में मौजूद हैं। रिसीट का ये कार्ड तो मुझे काफ़ी नेगेटिव एनर्जी दे रहा है आज, कि भाई आप
इस पर्सन से हमेशा हमेशा के लिए दूरी बनाकर रखें। ये पर्सन आपके सामने मीठा बन सकता है और पीछे से आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा बातें बुरी कहता होगा, सामने भी आपको कुछ ना कुछ नेगेटिव ऐसा बोल ही देता होगा। इसकी नज़रों से समझ चाहिएगा आपकी, ये इंसान आपके लिए हमेशा, मतलब कहते हैं ना, हमें इतनी समझ तो होनी चाहिए कि हमें सामने वाले की नज़रों से पता चल जाना चाहिए कि ये इंसान हमारे लिए अच्छा है या बुरा। अच्छा है तो ठीक है, बुरा है तो सबसे पहले आप उस पर्सन से दूरी बना लीजिए, ठीक है। एंजल ऑफ लव, एंजल्स लव यानी कि प्यार लेकर आ रहे हैं आपकी ज़िंदगी में, आपकी लाइफ में वापस आपके पार्टनर को लेकर आ रहे हैं। केयरिंग कनेक्शन और एंजल ऑफ लव दोनों ही कार्ड एक साथ आए हैं, बड़ी खूबसूरत सी एनर्जी दे रहे हैं। अगर आप इस कार्ड से पॉजिटिविटी ले सकें तो आपके पार्टनर ना इस वक्त आपको याद तो कर ही रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्हें काफ़ी सुकून मिलता है आपके बारे में सोचकर, क्योंकि आप उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। द गार्डन एंड द गेट, काफ़ी ज़्यादा टाइम नहीं बचा है आप दोनों के अब एक हो जाने में। इस फुल मून पर मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव और अच्छी चीज़ें होने वाली हैं आपके रिलेशनशिप में। ओके, एंजाइटी, आपके पार्टनर इस वक्त आपके बिना काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में है, मतलब हो सकता है उनको किसी ने कुछ नेगेटिव बोला हो या कुछ ऐसा हुआ हो उनके साथ जिसकी वजह से वो एंजाइटी इशू में, या फिर थर्ड पार्टी ने जब उन्हें धोखा दिया तो उस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा, वो चीज़ उनको काफ़ी ज़्यादा परेशान कर गई। मैजिशियन इन द मिरर, इस वक्त आपके पार्टनर और आपकी एनर्जी सेम है, अगर वो एंजाइटी में तो शायद आपके थॉट भी थोड़े से नेगेटिव होंगे, आपको एंजाइटी प्रॉब्लम हो रहा होगा। इससे पता है आपको क्या करना है, इसे ऐसा नहीं है कि इस वक्त अगर आप नेगेटिव, आपके पार्टनर नेगेटिव हैं तो आपको भी नेगेटिव हो जाना है, क्योंकि आप दोनों के जो एनर्जी से एक दूसरे को मिरर कर रही है। यहाँ पर आप अपने आप को थोड़ा सा संभालिए, मेडिटेशन कीजिए और आपको पॉजिटिव होना है, जिससे कि आपके पार्टनर को पॉजिटिविटी मिलेगी आपसे। अगर आपका मूड बहुत अच्छा है, मेडिटेशन कीजिए, अपने पार्टनर को इमेजिन कीजिए और उनको पॉजिटिव वाइब्रेशंस भेजिए, ठीक है। यहाँ पर ये फोर चक्र आर्केंजल राफेल, भाई आपके पार्टनर फिर से हमारे पास है आर्केंजल मिशेल। यहाँ पर आपके पार्टनर का हार्ट चक्र ओपन हो रहा है, वो आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव सोच रहे हैं। उनके दिल के अंदर अगर उन्होंने कभी कहा था कि हमें कुछ फील नहीं करता या नहीं करती, मुझे नहीं समझ आ रहा है, मैं नहीं रह सकता इस रिश्ते में, उनकी सारी सोच बदल रही है। फुल मून पर उनकी सारी सोच बदल चुकी है इस रिश्ते को लेकर, फिर से पॉजिटिविटी आती हुई दिखाई दे रही है आपके इस रिश्ते में। आप एकदम पॉजिटिव हैं, आपके और आपके पार्टनर के जो थॉट्स हैं, जो एनर्जीज हैं, एक दूसरे को मिरर कर रही हैं। तो प्लीज़ हमेशा पॉजिटिव रहें, हमेशा रिलेशनशिप के लिए पॉजिटिव सोचते रहें। ओके, तो ये थी हमारी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है तो अपना ध्यान रखिएगा, अपने थॉट्स को बिल्कुल पॉजिटिव रखिए, खुश रहिए और आगे बढ़ते रहिए। पर्सनल रीडिंग के लिए जी में भी मेल कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पर मैसेज भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।